अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता, बनाएंगे सूजी और आटे के मिक्स। और आगे की जो भी बनाएंगे, आगे की रेसिपी आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, हमने एक कप सूजी लिए हैं और एक कप आटा है, इसको ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटा और सूजी को। देखिए, आज जो भी हम नाश्ता बनाएंगे, हमारे किचन में जो भी होगा सब उसी को डालेंगे। हम बाहर से कुछ भी नहीं लाएंगे। दही ऐड करेंगे, नमक, हमने इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड करेंगे। इसको इस तरीके का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं। इसके बैटर हमारे एकदम थिक बैटर रहेंगे। देखिए, हमने थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें बटर ऐड कर सकते हैं। देखिए, बैटर जो है थोड़ा सा थिंक रहेगा। अब हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने तीन अंडा लिए हैं और तीनों अंडा को हमने बॉईल कर लिए हैं, करके रखे हुए थे। इस तरह हम अंडा को कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके का नाश्ता बच्चों बड़े सबको पसंद आएंगे। इस तरह ये अंडा को भी कट कर लेंगे। देखिए, हमने एक चम्मच के करीब क्रीम रखे हुए हैं। अब हम इसका केसर निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। हम मेयोनीज बनाएंगे। देखिए, अगर आपके पास में क्रीम नहीं है तो आप दही ले सकते हैं। दही की जगह आप मलाई ले सकते हैं। और टमाटर सॉस ऐड करेंगे। चिल्ली सॉस इसको भी ऐड कर देंगे इसके साथ में। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारे मेयोनीज जो है बनके तैयार है, एकदम घर पर होममेड मेयोनीज। देखिए, हमारे बैटर जो है बनके एकदम तैयार हैं, एकदम थिंक बैटर है, थोड़ा गाढ़े टाइप के। अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए। देखिए, कढ़ाई भी गरम हो चुके हैं। फ्लेम थोड़ा लो रखेंगे गरम होने के बाद में। थोड़ा सा हम बटर ऐड करेंगे। देखिए, अब हम इसमें आटा ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा फैला देंगे, जिस तरीके का हम चीला बनाते हैं ना, उसी तरीके का बनाएंगे। थोड़ा सा उससे मोटा बनाएंगे।
इसको अच्छे से फैला देंगे बराबर से। देखिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ये बनाना एकदम सिंपल है, ये सबको पसंद आएंगे। इस तरीके का पिज़्ज़ा बनाइए घर में। देखिए इस चम्मच से हम हल्का सा इसमें छेद कर देंगे ताकि हमारे जो चीला हैं अंदर बाहर दोनों साइड से अच्छे से पक जाएंगे। अब हम इसको पलटी कर देंगे। अब हम इसमें टमाटो सॉस ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे। अगर आपके पास में पिज़्ज़ा सॉस है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं इसमें। जब आपका दिल करे इस तरीके का नाश्ता बनाइए, ये बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे। अब हम इस तरीके का थोड़ा से चम्मच में छेद कर लेंगे क्योंकि ये अंदर बाहर से अच्छी तरीके से पक जाएगा, क्योंकि चीले हमारे मोटे हैं ना। अब फ्लेम एकदम लो रखेंगे, लो फ्लेम में पकाना है। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ को अच्छे से क्रश कर लेंगे। देखिए इसको क्रश करके डालने से जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम इसमें एग ऐड करेंगे। अगर आपके पास में पनीर है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं अंडा की जगह में। देखिए अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, हमने कट करके सब रखे हुए थे। अब कैप्सिकम इसको भी डाल देंगे इसके ऊपर से। अब ऑनियन भी डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा हम इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे। इससे टेस्ट और बढ़ जाते हैं पिज़्ज़ा के। एक बार मेरे तरीके से बनाइए। देखिए हमने जो मेन्यूज बना के रखे थे ना उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट और बढ़ जाएंगे। फिर से हम चिल्ली फ्लेक्स थोड़ा सा ऐड करेंगे। फिर से हम उसके ऊपर से चीज़ ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किए हैं। देखिए अब हम इसको ढक देंगे, इसको 2 से 3 मिनट तक का पकाएंगे लो फ्लेम में।
देखिए, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। वाओ, देखिए ये होममेड पिज़्ज़ा है, ये बहुत टेस्ट बनते हैं, एक बार इसको मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये इसको हमने प्लेट में निकाल लिए हैं, तो इस तरीके का कट कर लेंगे। देखिए हमने छुरी से कट किए हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो है तो उसमें कट कीजिएगा। ये देखिए हमारे घर का पिज़्ज़ा बन के तैयार है, ये बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। अगर ये मेरी ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा खाने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।